बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां हर एक युवा अपने मन में एक आशा की किरण लेके आता है स्टार बनने का। युवा जब घर से चलता है तो वो मुंबई पहुंचकर मुंबई की सतरंगी दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता है, वो भी फिल्मी गानों पे झूमना चाहता है और अपने लोगों में लोकप्रिय बनकर एक स्टार बनने की ख्वाहिश ले आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर एक्टर बनने के लिए कोशिश की, जी जान लगा दिया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब वो एक्टर की बजाय खलनायक बनना चुने तो रातों रात उस खलनायकी के रोल ने उनको स्टार बना दिया। ऐसे लगा कि वो खलनायक का रोल उनका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो खलनायक के रूप में बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे पर कदम रखे, उन्होंने अपने दर्शकों का दिल जीत लिया। तो आइए बताते हैं आपको ऐसे युवाओं के बारे में, ऐसे स्टार्स के बारे में जो खलनायक बन पर लोगों के दिलों में छा गए। जब ये खलनायक बने तो उन्होंने खूब तालियां बटोरी। संजय दत्त ने अपने पूरे करियर में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले संजय दत्त कई फिल्मों में खलनायक बने। हीरो के किरदार में तो संजय दत्त फिट बैठे, विलन बनकर भी उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने फिल्म वास्तव, अग्निपथ और पानीपत में विलन का किरदार किया है और तीनों ही फिल्मों में उन्हें जोरदार सफलता देखने को मिली। रोनित राय, टीवी अभिनेता रोनित राय ने बॉलीवुड में अपना खूब दम दिखाया। वह फिल्म बास, गुड्डू रंगीला, उड़ान और काबिल में खलनायक बने। उनके हर एक किरदार को दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया और खलनायक के रूप में उनको काफ़ी प्यार मिला। सैफ अली खान, यूं तो चॉकलेटी चेहरे वाले सैफ अली खान भी कई सारे फिल्मों में बतौर अभिनेता अच्छा काम किया और लोगों ने उनको पसंद किया, लेकिन जब बात खलनायक की आई तो ओमकारा फिल्म में उनके किरदार को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसके बाद तानाजी में भी सैफ विलेन बनकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। सोनू सूद, लॉकडाउन में लोगों की मदद कर इस देश के मसीहा बन चुके सोनू सूद ने दबंग, आर राजकुमार और सिम्बा जैसी कई फिल्मों में वरन का किरदार निभाया। दबंग फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी दबंगई लोगों के दिलों पर छा गई। विद्युत चामवाल, अपनी कदकाठी और अपनी बॉडी के लिए युवाओं में खासकर लोकप्रिय और मार्शल आर्ट्स पे निपुण विद्युत चामवाल ने फिल्म फूर से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में हीरो की भूमिका में जान अब्राहम नजर आए थे। विद्युत जामवाल ने अपने इस किरदार से इस कदर छाप छोड़ी कि हर अवार्ड फंक्शन में विद्युत थे, विद्युत की बिजली चमकती रही। नील नितिन मुकेश फिल्मों में हीरो बनकर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जिन फिल्मों में वह विलेन बने उसे जरूर उन्हें सुर्खियां बटोरी। अभिनेता ने फिल्म प्लेयर्स, वजीर, गोलमाल और साहो में विलेन का किरदार निभाया। इसमें उनके अभिनय की तारीफ हुई और इन सारी पिक्चरों में अभिनेता सोनू सूद की काफ़ी प्रशंसा हुई। राहुल देव, मॉडल और अभिनेता राहुल देव की गिनती हैंडसम हंक में होती है। राहुल देव ने फिल्म चैंपियन, फुटपाथ, आवारा, पागल दीवाना और सुपारी सहित कई फिल्मों में विलेन का रोल किया। रितेश देशमुख, ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों में काम करने वाले रितेश देशमुख भी विलेन का रोल कर चुके हैं। रितेश देशमुख ने एक विलेन और मरजावा में नेगेटिव किरदार निभाया। दोनों ही फिल्मों में उनका किरदार लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन
एक विलन में उनका रोल दर्शकों के रूह को छू गया। निकितिन धीर, अपनी बॉडी और लुक्स की वजह से चर्चा में रहने वाले निकितिन धीर वैसे तो कम ही फिल्मों में नजर आए, लेकिन जिन फिल्मों में भी वह दिखे वह वाहिर जरूर बटोरी। निकितिन धीर जोधा अकबर, रेडी, चेन्नई एक्सप्रेस और मिशन इंस्टाबुल में खलनायक बने, और जब इन फिल्मों में वो खलनायकी के रोल में आए तो फिर छा गए। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह का पद्मावत का रोल कोई भूल नहीं सकता। जितनी प्रसिद्धि रणवीर सिंह को बतौर एक्टर काफ़ी सारे फिल्मों मिली, उसके कई गुना ज़्यादा नाम और शोहरत कमा गए वो पद्मावत में विलेन बनकर। ये फिल्म वैसे तो शाहिद कपूर की थी, इसमें एक्टर शाहिद कपूर थे, लेकिन कोई शाहिद कपूर को याद नहीं रखता, और इस फिल्म में रणवीर सिंह ने एक जीवंत किरदार निभाकर अपने आप को एक किरदार के रूप में जीवंत कर दिया।